मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जिसने बर वक्त मेरी बेटी को आपके इस गुंडे मवाली और बद किरदार बेटे से बचा लिया। बस भजिया, प्लीज अब मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस बस, इसे आगे कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने औरत पैदा किया या आपको इसीलिए बर्दाश्त कर गया आज वली, वरना मेरी माँ के साथ कोई इस लहजे में बात करे ये बर्दाश्त नहीं करता मैं। बहुत बुरा हुआ वली, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि तजलील कैसे बर्दाश्त करोगे तुम। लेकिन वो कहते हैं ना, मकाफाते अमल दुनिया में इंसान के साथ हो जाता है, सो तुम्हारे साथ भी आज हो गया। अब मुंह छुपाते फिरेंगे दोनों माँ बेटा, और क्या हो सकता है। मेरा तो भाभी बेगम की तरफ पुराना हिसाब था जो चुकता हो गया। अरे भाभी बेगम, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता ना, मैं आ जाती आपके कमरे में। मैं अगर अपने कमरे से बाहर ना निकलती तो मुझे ये सब कुछ कैसे पता चलता।